सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल चेक पाल और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप कभी भी मेरा कोई वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल चेक पाल और मैं हूं आपको उत्कर्ष और आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक बिल्कुल ही अलग केस की, एक बिल्कुल ही अलग फ़ोन के कवर की जो होगा इलेक्ट्रोप्लेटेड बम्पर हार्ड केस। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस, लेट्स गो। हाँ तो गाइस, इसके अंदर है इलेक्ट्रोप्लेटेड बम्पर हार्ड केस। मैंने इसको मंगाया है ईबे से अपने फ़ोन वीवो y53 के लिए। आप अपने अलग अलग स्मार्टफोन जो भी आपके पास हैं आप उसके लिए इसको मंगा सकते हैं बिकॉज़ ये जो है अपना कवर ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने सोचा कि इसकी अनबॉक्सिंग की जाए। मेरा मेन मोटिव इस अनबॉक्सिंग वीडियो का सिर्फ यही है कि आप लोगों को पता चले कि मार्केट में नॉर्मल कवर्स जिनको आप जानते हैं उनके अलावा भी बहुत सारे अलग टाइप के कवर्स हैं। सो मैंने सोचा कि इस बार ही इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊं कि अलग टाइप के कवर, एक बिल्कुल अलग टाइप का कवर जो है इलेक्ट्रोप्लेटेड बम्पर केस, और ये आपके फ़ोन के लिए मिल जाएगा। ईबे पे अवेलेबल है, हर किसी फ़ोन के लिए मिलते हैं ईबे पे, सो उसको जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने तो इसको अपने फ़ोन वीवो y53 के लिए मंगाया है। सो इसके करीबन चार कलर आते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक और गोल्ड। और सो अभी गोल्ड वोल्ड सब बिक चुका था, सिर्फ ब्लैक ही बाकी था, सो मैंने ब्लैक में इसको मंगाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ये नीचे का पार्ट था, ये नीचे और ऊपर के पार्ट हैं, ये वाला भी है गोल्डन कलर का, ये सब अलग हो सकते हैं इसमें से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन दी गई है कि आप कैसे इस कवर को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे आता है कवर ओवर को लगाना, ये सब तो अपन लगा ही लेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्शंस दी गई हैं, अपन डायरेक्शंस को फॉलो करके कवर लगा सकते हैं नॉर्मली। और अब इस कवर की अगर मैं बात करूँ तो ये कवर बहुत ही ज़्यादा जो है रबड़ी फिनिश वाला है, मतलब थोड़ा सा रबर टाइप का है यहाँ पर ये कवर, और बहुत ज़्यादा स्मूथ है ये, मतलब इसको जब छुएंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता है ये कवर, और स्क्रैच रेजिस्टेंट है बिल्कुल। आप इसमें अपने नाखून से स्क्रैच करके देख सकते हैं, चाबी की रिंग से स्क्रैच करके देख सकते हैं तो भी इसमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और रबर टाइप का है। यहाँ पर नीचे और ऊपर लगाने के लिए दो गोल्डन कलर की जो है अपने एक और दिए गए हैं कवर वहाँ पर, ताकि वो आपके फ़ोन को जो है साइड से प्रोटेक्ट कर सकें, जो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और कवर की बात करें तो कवर जो है काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ये जो मेन पार्ट इसकी बॉडी बिल्कुल रबर फिनिश की है, पकड़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्मूथ है और अपना स्क्रैच रेजिस्टेंट भी है। सो यहाँ पर मेरा फ़ोन है ये वीवो 53, और आपको बस इसको इस तरीके से फ़िट करना होगा जैसे कि मैंने फ़िट कर लिया। सो नॉर्मली ये कवर कुछ तरीके से आपका फ़िट हो जाएगा, आप इस कवर को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसके साथ लगाने के लिए ऊपर नीचे ये गोल्डन कलर्स के दिए हुए हैं, सो मैं तो इसको लगाऊंगा ही। और तो कुछ इस तरीके का लगता है, ये काफ़ी अच्छा लगेगा लगाने के बाद। यहाँ पर इसमें जो है अपनी बटन्स के लिए अलग से अच्छे से काफ़ी स्पेस दी गई है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दिक्कत है। इसको आप सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में कवर लगाना है, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है हल्का सा इसका एक स्लॉट दिया हुआ है तो उसको आपको बस थोड़ा सा जो प्रेस करना होगा ऊपर से और फिर यहाँ पर ये लग जाएगा। सो इस तरीके से देखिए मैंने ऊपर का लगा दिया है तो ऐसे ही लगेगा आपको, आप ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल टाइट रहे, अच्छे से फिट हो जाए। और सिंपली बस अपना कवर थोड़ा सा जो है स्लाइटली थोड़ा सा अप करके इसको थोड़ा सा अंदर करना है। सो मैंने यहाँ पर लगा लिया ऊपर का, कुछ इस तरीके से दिखता है, शाइन कर रहा है, बिल्कुल मेटेलिक फिनिश वाला है लेकिन है प्लास्टिक का। सो ऊपर नीचे वाला तो प्लास्टिक का है लेकिन मेटेलिक फिनिश वाला है, और सही है यार, मतलब दिखने में तो अभी से ही मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको बस इसको अच्छे से फिट करना होगा, देखना कि ये टूट टाट ना जाए, अंदर से हल्का सा जो है दिया गया लगाने की स्पेस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जिस तरीके से मेरा फ़ोन दिख रहा है पीछे से, और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब माइक के लिए और ऑडियो जैक के लिए, स्पीकर्स के लिए, सब के लिए अच्छे से पूरी स्पेस काफ़ी अच्छे से दी गई है, और हैंडी काफ़ी ज़्यादा, मतलब पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये 360 प्रोटेक्शन है, अगर ऊपर से भी आपका फ़ोन गिरेगा तो ऊपर तक इसका जो कवर आता है तो आपका फ़ोन बच जाएगा। सो बहुत ही अच्छा है, प्रोटेक्टिव, कूल लुकिंग, स्टाइलिश एंड बेस्ट कवर अवेलेबल फॉर अ फोन, उसको मंगाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अपने सजेशन को कमेंट करना ना भूलिए। सब्सक्राइब टू मेरे चैनल टेक पाल।